चाकू की नोक पर हुई लूट। जिलों की नगरी उदयपुर में लोहा बाजार में चाकू की नोक पर लूट हुई है और लूट का घटनाक्रम भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। किस तरह से हुई लूट, किसने की लूट और किस तरह से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराधियों को गिरफ्त में लिया, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान के उदयपुर के लोहा बाजार में फिल्मी स्टाइल में ये लूट का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लोहे के व्यापारी के यहाँ दो व्यक्ति आते हैं और एक शटर बंद करता है, दूसरा चाकू निकालता है और व्यापारी को डराने धमकाने और मारपीट करने लगता है। दोनों इस तरह से व्यापारी के सामने घटनाक्रम करते हैं कि भयभीत व्यापारी कुछ समझ भी नहीं पाता है और 19,000 रुपये लेकर आरोपी फरार हो जाते हैं और व्यापारी दौड़ता हुआ बाहर निकलता है, बचाओ बचाओ की आवाज़ करता हुआ। किस तरह से घटनाक्रम हुआ और क्या किया पुलिस ने, देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटनाक्रम का ये नज़ारा। किस तरह से घटना हुई आप पूरा देखें इस खबर में। जाने हो रहे हो, वाह बुरा जी, आपने वो ₹19,000 लूटकर फरार हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने विशेष टीमें गठित की और कई जगह छापे भी मारे। किस तरह से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और किस तरह से आगे कार्रवाई की गई, क्या कहा थानाधिकारी हाथीपोल गोपाल चंदेल ने, देखिए आप भी। अमनपुरा के अंदर लोहा बाजार में रियाज अली बोहरा जी है, उनकी लोहे की दुकान है। तो शाम वहाँ बैठे थे, शाम के टाइम में तो तीन व्यक्ति दुकान के अंदर वहाँ दुकान पर गए, एक व्यक्ति बाहर खड़ा रहा, दो व्यक्ति अंदर घुसे और उन्होंने चाकू दिखाकर उनके साथ में जो 19,000 रुपये की लूट कर ली, उसे लेके पैसे भाग गए। थाने पर रिपोर्ट आई, इस पर श्रीमान एसपी साहब मनोज जी चौधरी साहब और हमारे सीओ साहब जितेंद्र जी आचार्य साहब ने इस घटना में जो लोग थे उनको गिरफ्तार करने के निर्देश दिए, जिस पर मैंने थाने से एक टीम हिम्मत सिंह एसआई और अख्तर विनोद और लोकेश की बना के और फुटेज वगैरह दिखवाए, आसपास के ढाबे वगैरह सब तलाश कराए, जिस पर तीन व्यक्तियों को आज हम लेकर आए हैं और उसमें नदीम उर्फ निंदू है, ये 22 साल का है और इसके दो मुकदमे पहले से ही दर्ज है। सादाब उर्फ सद्दू है, ये पहले मर्डर और लूट और डकैती में भी ये मुलजिम रहा है। और एक तनवीर उर्फ मच्छर, ये है घंटाघर का है, माउतवाड़ी का। इन तीनों को आज अरेस्ट किया है और इस घटना में लूटे गए रुपये अब बरामद किए जाएंगे और इनके द्वारा और क्या वारदात की गई है इस बारे में भी गहनता से पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना किस तरह को अंजाम दिया इन्होंने? चाकू के बल पर इन्होंने जो है वहाँ दुकान में घुस के शटर डाउन करके और बोरा जी से रुपए छीन के भागे हैं, ये जिसको हमने अरेस्ट कर लिया आज। बस
हो वाह बोरा जी अपने वो फटाफट अरे नहीं है मेरे पास पैसे यार आपको बता के कैसे देगा।